famous, what they call me. I promise that you'll never be lonely. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपका सैयद व्लॉग्स पे और मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आपको सबको मेरी तरफ़ से चांद रात मुबारक हो और एडवांस में ईद भी मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ये ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी और आप अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे और खुशियों को दूसरों के साथ बांटेंगे। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी बोलान के बारे में। ये 2021 का मॉडल है जिसमें हम देखेंगे कि इसके स्पेक्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है और आजकल के लेटेस्ट प्राइस इसकी क्या चल रही है और कौन कौन से वेरिएंट चल रहे हैं, तो आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। इस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ साथ अगर पहले चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता दूँ, इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक तो कार्गो वैन आती है और एक बोलान VX आती है। कार्गो वैन की जो कीमत है वो 10,75,000 रुपये है और डॉक्यूमेंटेशन के बाद इसकी कीमत जो है वो 11,50,000 हो जाती है। बात करें यहाँ पे बोलान VX मॉडल की, इसकी जो कीमत जो है वो 11,35,000 है और जब आप इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं तो 12,00,000 की आपको पड़ जाती है। गाइज, इस गाड़ी में आपको बता जाऊँ कि हमें स्पेक्स कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ना ही हमें पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर ना ही एयर बैग्स मिलते हैं, सेफ्टी का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया और यहाँ पे आपको जस्ट सिर्फ एक FM की ऑप्शन मिल जाती है। ट्रांसमिशन भी आपको मैनुअल मिलती है और जो इसका सारा ट्रांसमिशन है वो आपको एक बस की माने, अगर आपने पुरानी बसें देखी हैं तो उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया और सेम 2021 में भी आपको वही मॉडल आ रहा है। इसमें आपको अगर हम बात करें कि इस प्राइस के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक डब्बा ही मिल रहा है, इसीलिए इसे कहरी डब्बा भी कहा जाता है कि इस प्राइस के अंदर 12,00,000 रुपये जब आप पे कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक डब्बा नुमा चीज़ दी जा रही है जिसमें ना ही कोई फीचर है ना ही सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, तो आप इस गाड़ी के बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस हवाले से बताने का मकसद यही था कि यार आप लोग जब 12,00,000 रुपये लगा रहे हैं तो कंपनी को कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12,00,000 लगाने के बाद भी आपको कोई भी फीचर इस गाड़ी में नहीं दिया जाता। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो तैयार करते रहें, तो दुआओं में याद रखिएगा और ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।